इवनिंग एवरीवन, टुडेज डेट इज 25th नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी है, आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से संबंधित सारी PDF है वो मिल जाएगी। पहला आर्टिकल है हमारा प्लेस एंड न्यूज़ से संबंधित। प्लेस एंड न्यूज़ में जो आर्टिकल है वो ताइवान के बारे में, क्यों न्यूज़ में है ये हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे ताइवान की लोकेशन कहाँ है। ये आर्टिकल है वो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताइवान की लोकेशन के बारे में। ताइवान जिसकी कैपिटल है ताइपे, इतनी खास लोकेशन है नहीं, सिंपल सी बात है। यहाँ फिलीपीन सी है, यहाँ साउथ चाइना सी है, यहाँ पैसिफिक ओशियन आ जाता है, यहाँ चाइना आ जा सकता है, और ये इसका सबसे बड़ा आइलैंड है वो ताइवान का, ये राई आइलैंड है। तो ये ताइवान की लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस आइलैंड का नाम है फार्मोसा आइलैंड, तो ये ताइवान का सबसे बड़ा आइलैंड है, फार्मोसा आइलैंड इसका नाम है। तो ताइवान की लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ताइपे कैपिटल है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ठीक है। UPSC के लिए याद नहीं रखना है, और कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये ताइवान डॉलर है, ये इनके प्रेसिडेंट है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रख सकते हो। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। दूसरा आर्टिकल ये पर्सन एंड न्यूज से संबंधित है, ये भी PIN अम्बेडकर जी के बारे में है। ये समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, लॉयर थे, दलित लीडर थे। ये जो कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी थी इनके चेयरमैन थे, पहले लॉ मिनिस्टर थे, इन्होंने दलितों के लिए काम किया था। तो ये अम्बेडकर जी के बारे में है, ठीक है। अम्बेडकर जी के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, इतने से कुछ होगा नहीं, बट ये थोड़ा बहुत था तो देख लेना उसके बारे में। ये चिल्ड्रन डे से संबंधित है, इसकी थीम याद रखना, UPSC ने पूछे तो कोई और एग्जाम में काम आ सकती है। लिसन टू द फ्यूचर, ये चिल्ड्रन डे की थीम थी, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 20 नवंबर को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम थी लिसन टू द फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, वो है सेक्स वर्कर के बारे में, वेश्यावृत्ति से संबंधित है। कुछ टाइम पहले हीरा मंडी नाम की एक वेबसाइट आई थी, सॉरी वेब सीरीज आई थी, ठीक है, नेटफ्लिक्स पर, वो थी उस वेश्यावृत्ति से संबंधित थी। तो ये उससे संबंधित कोई आर्टिकल दिया है, अगर मेंस में कहीं क्वेश्चन आता है तो आप है वो इससे रिलेटेड जवाब दे सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट का यूज है वो आप मेंस में कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम ही आने की संभावना है, फिर भी अगर ऐसे इसे घुमाया फिरा के कुछ क्वेश्चन आए तो वहाँ पर ये आप पॉइंट है वो दे सकते हो। अब सबसे पहला है, जो भी सेक्स वर्कर होते हैं उनके सामने क्या क्या समस्या देखने को मिलती है। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो मेंटल हेल्थ की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि उनके सामने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है वो देखने को मिलती है। अब क्या क्या समस्या देखने को मिलती है, पहले हम बात करते हैं कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, कॉमन कंडीशन क्या क्या हो सकती है। एक तो चिंता देखने को मिलती है, टेंशन, ठीक है, अवसाद है, PTSD है, ड्रग्स का सेवन है, ये इनमें कॉमन चैलेंज देखने को मिलते हैं। अब इनके कारण के बारे में बात करते हैं, कॉमन चिंता है, ये सी चीज तो कॉमन ही है, ये देखने को मिलते हैं। अब कारक के बारे में बात करें, क्या फैक्टर होते हैं जिनके कारण इनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कारक के बारे में बात करते हैं, पहला कारक है कलंक। कलंक मतलब वो कलंक मूवी नहीं, ये कलंक का मतलब होता है यहाँ पे स्टिग्मा, यानी कि समाज के द्वारा इनका बहिष्कार किया जाता है। जब समाज के द्वारा इनका बहिष्कार किया जाता है तो इनके जो बुनियादी मानव अधिकार होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट होते हैं, उनसे भी इनको वंचित कर दिया जाता है। इनको बेसिक ह्यूमन राइट नहीं मिलते हैं, इसके साथ साथ में हेल्थ सर्विस होती है, हेल्थ सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, उनसे भी वंचित होना पड़ता है, क्योंकि इनको डर होता है कि ये किसी की मदद नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार का इन पर मानसिक संकट होता है, इसलिए ना तो इनको बुनियादी मानवाधिकार मिलते हैं, ना ही जो ये स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो इनको मिल पाती है, तो ये इन दोनों से वंचित रह जाते हैं। साथ ही साथ में इनको हिंसा, वॉयलेंस का सामना भी करना पड़ता है। वॉयलेंस का सामना कैसे करना पड़ता है इनको, जो भी इनका कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, वो इनके साथ में मारपीट करते हैं, ठीक है। फिर जो पिंप होता है ना, दलाल, वो भी इनको परेशान करते हैं, और जो भी अथॉरिटीज होती है लाइक पुलिस है, और भी जो अथॉरिटी है, उनके द्वारा भी इन्हीं को परेशान किया जाता है। इनके साथ ही भावात्मक, इमोशनली है, फिजिकल है, और यौन उत्पीड़न है वो इनके साथ की जाती है। इनसे क्या होता है, इनकी मानसिक स्वास्थ्य है, उन पर गंभीर समस्या देखने को मिलती है, इनकी पूरी
जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ जाती है, ये समस्या देखने को मिलते हैं। हम कारण के बारे में बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके लिए सुधार के लिए किस प्रकार की दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की आवश्यकता है, व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। किस प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पे अनुसंधान। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर अनुसंधान की कहाँ आवश्यकता आ गई, रिसर्च की कहाँ आवश्यकता आ गई, तो रिसर्च के बारे में बात करें, अनुसंधान के बारे में बात करें तो एक देखा गया है कि इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ है वो इनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर इनके मेंटल हेल्थ में, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जाए तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसके लिए इनके साथ में व्यवहारिक और प्रभावी ढंग से कारण किया जाए, काम किया जाए, इनकी जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है इनको समाधित किया जाए, तो इस प्रकार से इनमें सुधार किया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार से कोई रिसर्च किया जाए, इस प्रकार से इनको डेवलप किया जाए, इनके साथ मिलकर काम किया जाए ताकि इनकी जो मेंटल हेल्थ की समस्या है उसको सुधारा जा सके। तो यही यहाँ पे लिखा है यहाँ कि मानसिक स्वास्थ्य को व्यवहारिक और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए यौन कर्मियों के साथ में सह डिजाइन किए गए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यानी कि इनके साथ मिलके कि आपकी क्या समस्या उनको समझ के इस प्रकार की प्रभावी ढंग से व्यवहारिक नीति लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में एडवोकेसी यानी वकालत, क्या वकालत करने की आवश्यकता है, वकालत करने की आवश्यकता है कि इनको पर्याप्त रूप से आर्थिक अवसर, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कानूनी सुरक्षा वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कलंक में कमी है, मानसिक स्वास्थ्य तक इनकी जो पहुंच है वो है कि नहीं है, इन सब जो चीज़ों को संबोधित करने वाली नीतियाँ हैं उनकी वकालत करना, यानी कि एडवोकेसी करनी है, वकालत करनी है कि इन लोगों को जो भी बुनियादी आवश्यकता है, आर्थिक अवसर मिल रहे हैं, कानूनी सुरक्षा मिल रही है, जो कलंक है उसमें कमी देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है, मानसिक स्वास्थ्य है वहाँ तक इनकी पहुँच है या नहीं है, इससे संबंधित जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, नीतियाँ बनाई जा रही है उसको संबोधित करने की आवश्यकता है कि नीतियाँ है वो इनके योग्य बनाओ। साथ ही साथ में वैश्विक उदाहरण के बारे में बात की गई है, ग्लोबल एग्जाम्पल के बारे में बात की गई है। यहाँ ग्लोबल एग्जाम्पल में कहा गया है कि जर्मनी है, इटली है, स्वीडन है, यूके है, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर जो यौन कर्मी थे ना, सेक्स वर्कर थे, उनके साथ में अच्छे से काम किया गया, उनकी सहायता की गई, तो उस सहायता से क्या देखा गया कि इनकी जो मेंटल हेल्थ थी उसमें सुधार देखा गया। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर इनको सहायता की जाए, उनके साथ मिलकर काम किया जाए, मतलब इनकी जो भी समस्या है उनके साथ मिलकर उसमें सुधार किया जाए तो इनकी मेंटल हेल्थ में सुधार किया जा सकता है। ये कुछ इसके पॉइंट दे रखे थे। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2022 में। जजमेंट का नाम है बुद्धदेव कर्मकार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2022 में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले में कुछ अपने बातें रखी थी। क्या रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा था यौन कर्मी सेक्स वर्कर होते हैं उनके पास में सम्मान, निजता यानी प्राइवेसी, हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, वायलेंस फ्री जीवन जीने का इनके पास में अधिकार है। साथ ही साथ में इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत इनको जीवन और सम्मान के अधिकार की गारंटी दी गई है, यौन कर्मियों को कानूनी रूप से परेशान या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कोई भी समस्या है ऐसे देखा जाता है कि बार बार इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन कर्मियों को कानूनी रूप से बिना किसी बात के इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में ये भी कहा गया था इनको कानून के समान संरक्षण दिया जाएगा, है ना, लॉ के समान जो संरक्षण दिया जाता है वो इनको भी दिया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो इनको भी दिया जाएगा। साथ ही साथ में ये भी बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस प्रकार से अन्य यौन उत्पीड़कों को ट्रीट किया जाता है, अन्य जो यौन उत्पीड़न होते हैं उनको जिस प्रकार से ट्रीट किया जाता है उसी प्रकार से सेक्स वर्कर को भी उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, कानून प्रवर्तन एजेंसी से, उनको यौन कर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने जजमेंट में बताया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या बातें रखी थी। इसके अलावा एक हमारे जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा एक कानून भी बनाया गया था, कानून का नाम है इमोरल
ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट यानी कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 इस कानून में क्या बातें की गई है। इस कानून में बात की गई है कि जो वेश्याल है यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होते हैं वो काम करती है, तो वहाँ पे उनके मालिक होते हैं वो उनसे काम करवाते हैं, तो अगर वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो उनके लिए 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कोई वेश्यावृत्ति से अपना जीवन यापन कर रही है या कर रहा है उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। कोई दलाल है, पिंप है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। वेश्यावृत्ति जो तस्कर वगैरह होते हैं उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस कानून में सारे प्रावधान है वो किए गए हैं, कौन कौन व्यक्ति वो किस किस प्रकार से काम करते हैं उनके लिए बेहतर अलग अलग ढंग से प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर इस कानून के बारे में हमने जिक्र किया कि इस कानून में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो सेक्स वर्कर के लिए बेनिफिट करते हैं या उनको संरक्षण प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा सेक्स वर्सेस से संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है CBAM के बारे में। CBAM क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में ये टॉपिक है ना, मैं यहाँ पर यहीं पे पूरा टॉपिक समझा देते हैं, बाद में हम देखेंगे ये चीज़ें क्या है और कैसे काम करती है। तो देखो ये चीज़ है, पहले तो CBAM क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन है उसके द्वारा ये सिस्टम है लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। क्यों लाया गया है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन है वो कार्बन के एमिशन को कम करना चाहता है, इसलिए ये लेके आया है। यूरोपियन यूनियन का टारगेट है कि कार्बन के उत्सर्जन को है जो हमें लक्ष्य दिया गया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जो उत्सर्जन किया गया था उसका 5 गुना है, इनमें कमी लानी है, ये इनका टारगेट है। वैसे यूरोपियन यूनियन के जो देश है वहाँ पे जो पर्यावरण होता है, एनवायरमेंट होता है, उसके प्रति काफ़ी सजगता देखने को मिल रही है, इसलिए वो इस प्रकार का नियम लेके आए हैं। अब ये तो नियम के ऊपर की बात होगी, मेन मतलब ये नियम है क्या, काम कैसे करेगा, तो इस नियम के बारे में बात करते हैं। कोई भी चीज़ है वो जैसे कि भारत है, डेवलपिंग देश है, यहाँ पे कोई चीज़ बनाई जा रही है, जैसे एग्जांपल के लिए ये इंडिया है और ये है EU। भारत में कोई चीज़ बनाई जा रही है और भेजी जा रही है कहाँ? EU में। यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, ठीक है। अब भारत में ये चीज़ बन रही है वो कितने रुपए की बन रही है? 10 रुपए की बन रही है। EU में कितने की बिक रही है? ये 75 रुपए की चीज़ बिक रही है, ठीक है। अब EU का कोई प्रोडक्ट सेम है, माना कि ये पेन है भारत की, ये EU में बिक्री 75 रुपए की। EU का कोई प्रोडक्ट है वो महंगा बन रहा है, क्यों महंगा बन रहा है? क्योंकि EU में है वो कार्बन को काफ़ी टारगेट किया जाता है कि जो भी इंडस्ट्री है वो कार्बन फ्री इंडस्ट्री हो। अब कार्बन फ्री जो इंडस्ट्री जो कि उसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है, इसलिए वहाँ की चीज़ें वो महंगी बन जाती है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट है ना वो भारत जैसे देशों के जो वस्तुएं होती है उससे पूरी भर जाएगी, ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इनका टारगेट क्या है? कैसे भी करके भारत से जो वस्तुएं आ रही ना उनको महंगी कर दो ताकि हमारी बराबरी हो जाएगी, तो क्या होगा, एक लेवल मिल जाएगा ताकि कैसे भी करके इसको रोका जा सके। कुल मिला के CBAM एक प्रकार का टैरिफ है। क्या है? एक प्रकार का, ये एक प्रकार का टैरिफ है जिसका यूज है ये कार्बन उत्सर्जन में कमी के नाम पे डेवलपिंग देशों से आने वाली वस्तुओं को रोकने में करते हैं। यानी कि इसके माध्यम से डेवलपिंग देश है उनकी वस्तुएं जो यूरोपियन यूनियन में आ रही हैं उनको रोकने के लिए इस प्रकार का टैरिफ लगाया जाता है जिसको नाम दे दिया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें कैसे क्या काम किया जाएगा? जो भारत की वस्तु है ना उस पर ये टैरिफ लगा देंगे, यानी कि टैक्स लगा देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे 10 रुपये की चीज़ थी उस पर 75 का टैरिफ लगा दिया, ये वस्तु कितनी होगी? 85 की। अब ये जो टैरिफ था ना 75 का, ये भारत को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा यूरोपियन यूनियन के देशों को, आपस में मिल जाएगा। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? यूरोपियन यूनियन को। नुकसान किसको हुआ? भारत को, क्योंकि एक तो उसकी वस्तु महंगी होगी और उसकी बिक्री कम हो जाएगी, साथ ही साथ जो टैरिफ लगा वो भी यूरोपियन यूनियन को मिल गया। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है कि CBAM का मैकेनिज्म क्या है। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का सिंपल मतलब ये है कि जो भी डेवलपिंग देश है वहाँ से कार्बन का उत्सर्जन ऑब्वियस चीज़ें ज़्यादा होगा, वहाँ से चीज़ें भेजी जाएगी यूरोपियन यूनियन पर, तो वहाँ पे वो एक प्रकार का टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगा के वस्तुओं के दाम महंगे बढ़ जाएंगे, तो वो जो टैरिफ है वो अपने पास रख लेंगे, इस प्रकार से वो एडजस्ट करेंगे। इसके लिए वो कार्बन क्रेडिट भी जारी करेंगे,
ये क्रेडिट कहाँ से खरीदना पड़ेगा? ये भी यूरोपियन यूनियन से ही खरीदना पड़ेगा, इसके पैसे भी एक्स्ट्रा लगेंगे। इस प्रकार से इस पूरा सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो सिंपल चीज़ों में समझ में आ गया होगा कि कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। तो ये एक प्रकार के टैरिफ की तरह ही काम करता है। ये चीज़ तो समझ में आ गई। यहाँ पे ये सारी चीज़ लिखी गई है कि कार्बन सीमा समायोजक तंत्र, यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है। ये कार्बन घन उत्पादन उत्पादों, मतलब जिसमें कार्बन का ज़्यादा एमिशंस होता है, ऐसे उस जो उत्पाद होते हैं उस पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा, संघ यूरोपियन संघ के द्वारा एक टैरिफ लगाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य कार्बन का उत्सर्जन है वो कमी लाना है, यह उसका उद्देश्य है। इसके लिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन क्रेडिट है वो भी जारी किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, हमने सिंपल भाषा में देख लिया कि ये होता क्या है। अब इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की 20% जो ट्रेड है ना, भारत का 20% एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। भारत अपने वस्तुओं का 20% एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन यूनियन में करती है, ईयू में करता है। अब इस 20% में से 25%, ये 20% वस्तु है, इसमें से 25% है वो सीधे सीधे प्रभावित होगी CBAM से, यानी कि भारत की जो 25% वस्तु है ना, जो 20% के अंदर, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। तो ये हमें देखने को मिलता है नुकसान। इसमें ज़्यादा तो जो इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो आयरन है, इस्पात है, ठीक है, आयरन, स्टील, फिर एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, उर्वरक, फर्टिलाइजर है, इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है वो कार्बन का एमिशन होता है, ठीक है। बात करिए रेवेन्यू का, रेवेन्यू हमने देखा था इसका उपयोग है वो भी ईयू करेगा, यूरोपियन यूनियन है वो भी इसी का, इसका उपयोग भी वही करेगा। आलोचना कैसे कर रहा है? भारत का कहना है कि ये मनमाना है, भेदभावपूर्ण है, जो भारत और जो भी विकासशील देश है उनके खिलाफ आता है। क्योंकि उनके खिलाफ क्यों आता है इसकी भी हम बाद में बात करेंगे। देखो क्या होता है, यूरोपियन यूनियन में देश है ना वो डेवलप कंट्री है। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डेवलपमेंट ऑलरेडी कर दिया है। कैसे किया? इन्होंने ऑलरेडी कार्बन की एमिशन से किया है। कैसे, कब? क्योंकि एक आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ना, इसका फायदा ज़्यादातर जो यूरोपियन यूनियन के देश है उन्हीं ने उठाया था। भारत जैसे जो विकासशील देश है वो इनका फायदा नहीं उठा पाए थे, इसलिए कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा किया था, उन्होंने जितना एमिशन किया था विकासशील देश कर भी नहीं पाए हैं, उन्होंने ऑलरेडी करके अब पूरा दबाव विकासशील देशों पर डाल दिया है। इसका मतलब है पूरा भार विकासशील देशों पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है। अब ये चैलेंज है वो तो भारत जैसे विकासशील देशों को देखने को मिल रहा है, तो अब इस चैलेंज को कैसे फेस किया जा रहा है और कैसे चुनौतियाँ वो देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें आर्थिक असमानता की, बात देखने को मिलती है इकोनॉमिक डिस्पेरिटी की। विकासशील देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था है वो विकसित देशों की तुलना में कम विकसित है, यानी कि उनके पास में अभी भी काफ़ी पीछे है। आप है ना भारत की बात करो, अफगानिस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, बांग्लादेश की बात बारे बात करो, ठीक है, इनका कंपेरिजन है वो आप यूरोपियन यूनियन के देशों से इनसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी भी बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो ये अभी बहुत पीछे हैं, तो इनको अभी आवश्यकता है कि कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसमें जो भी डेवलप कंट्री वो इनकी हेल्प करे, इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, इनको फंड प्रोवाइड करे, ताकि ये भी उत्सर्जन कम करे। ऐसे डायरेक्ट बोझ नहीं डाल सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे आर्थिक असमानता के बारे में बात करिए। रेवेन्यू का जो आवंटन होता है, अलोकेशन होता है, राजस्व आवंटन होता है, वो भी अन्यायपूर्ण है, यूरोपियन यूनियन को अपने पास नहीं रखना चाहिए। वैश्विक जलवायु का सिद्धांत का उल्लंघन है। वैश्विक जलवायु का जो सिद्धांत है उसमें कहा जाता है कि समान किंतु डिफरेंट, कॉमन बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात करी यहाँ पे? यहाँ पे बात की है, एक है USA जैसा देश, दूसरा है अफगानिस्तान जैसा देश। अब कौन सा देश है वो कार्बन का एमिशन ज़्यादा करेगा? अब ऐसे डेवलपमेंट देखो तो USA ज़्यादा करेगा, बट आज के टाइम में अगर कोई चीज़ बना रहे हैं दोनों देश, पेन बना रहे, तो अफगानिस्तान है वो ज़्यादा डेवलप, वो उत्सर्जन करेगा, क्योंकि USA के पास में टेक्नोलॉजी एडवांस है, उसके पास में पैसे हैं, तो वो कैसे भी करके कार्बन के एमिशन को कम कर सकता है, अफगानिस्तान वो चीज़ें नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है सबका टारगेट कॉमन, मतलब सबका टारगेट है कार्बन को एमिशन को कम करना है, बट जो गरीब देश है, जो पिछड़े देश है, उनका ये टारगेट, उनके लिए ये टारगेट आसान कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, क्योंकि वो अभी भी पिछड़े देश है, उनके पास में इतनी रिसर्च नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए उनको कम रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और जो ज़्यादा
योग्य हैं, डेवलप देश है, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, उनको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो ये बात करता है कॉमन बट डिफरेंट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और ये रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी क्या है, जितनी आप अपने हिसाब से कर सकते हो इतनी कोशिश करो, ये सारी बात हो रही है इसमें। कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर भारत जैसे देश है ना, उनको स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्रिपेयरनेस, जो घरेलू तैयारियाँ हैं उनको मजबूत करनी है, यानी कि ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ना उनमें मापना है कि एक मापने के लिए डेटा सिस्टम विकसित करना होगा कि कौन सी वस्तुओं में कितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टील है, एल्यूमिनियम है, इसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो उसे इस प्रकार से विकसित करो, इस प्रकार से कार्बन की कैपेबल बनाओ, दक्ष बनाओ कि वो कम उत्सर्जन करे। ठीक है, तो इसे कार्बन एफिशिएंट बनाने की ओर टारगेट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम भी एक प्रकार से धीरे धीरे कार्बन का एमिशन है वो कम करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबका टारगेट है वो कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। तो ये बात यहाँ पे की गई। फिर क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देना, जो भी समान देश है, इक्वल देश है, कॉमन देश है, जैसे भारत विकासशील देश है, बांग्लादेश है, और भी ऐसे देश है जो विकासशील है, उनको एक पर्स पे लाना है, उनको समझाना है कि यूरोपियन यूनियन जैसे देश है वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो वो सारे देश मिलके हैं, वो अपनी आवाज़ रखे, एक साथ मिलके बात करें कि भाई वो आप है वो प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री को, तो हम भी अपने मार्केट को आपकी इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट करेंगे। ये बात करनी है सारे देशों को मिलके। फिर रचनात्मक बातचीत करनी है। रचनात्मक बातचीत कैसे, कि उनको समझाना है कि आप है ना जो एक CBAM है वो पूरा भेदभावपूर्ण है, तो उसे निष्पक्ष बनाओ, उसमें संशोधन करो, जो आप रेवेन्यू है उसे रेवेन्यू को हमारे साथ भी शेयर करो, कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारी मदद करो, इस प्रकार की बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करना है। एट द एंड ऑफ द डे हरित निर्यात, जो ग्रीन एक्सपोर्ट है, उसमें भी बढ़ावा देने की कोशिश करनी है। तो ये पूरा आर्टिकल था इससे संबंधित। फिर बाद में हमने देखा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हम पूरी चीज़ें देख ली है, यूरोपियन यूनियन है, क्यों लेके आया है, वही कार्बन के एमिशन को कम करना है, तो इससे संबंधित ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में, सिंपल शब्दों में बात करें तो आप चढ़ते हो पर्वत पे, ऊंचाई पे चढ़ते हो, तो एक ऊंचाई के जाने के बाद में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, दबाव है वायु का, जो दबाव है एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, इसका असर है वो आप पर भी देखने को मिलता है, आपके शरीर पर भी इसका असर देखने को मिलता है, तो इसे कहा जाता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है। अब ये अलग अलग प्रकार का होता है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, मतलब ऊंचाई बढ़ने पर आपके शरीर में जो भी असर होता है उसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन यही है, इसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या एक्यूट माउंटेड सिकनेस के नाम से जाना जाता है, जब आपके शरीर है वो 8000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जाता है, वहाँ पर अनुकूलन करने की कोशिश करता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, वो अनुकूलित नहीं हो पाता है, इसे ये कहा जाता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी देखने को मिलती है, वायु का दबाव होता है वो भी कम हो जाता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, हेडेक, सिरदर्द होता है, मतली मतलब नोज होता है, वो थकान देखने को मिलती है, फटीग, सांस लेने में तकलीफ है, ये सारी समस्याएं हो सकती है। गंभीर की बारे में बात करें, सीवियर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, सीवियर के बारे में बात करें तो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंडिमा, हेप याद रखना, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंडिमा, इसमें क्या होता है, फेफड़े होते हैं ना, लंग्स, उसमें एक लिक्विड होता है, इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि फेफड़ों में द्रव्य होता है, उस द्रव का संचय होता जाता है, संचय होने से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, फेफड़े होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसे कहा जाता है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंडिमा। नाम याद रखिएगा, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंडिमा, आगे नाम आएगा हेप, तो हेप को आप याद रखना। नेक्स्ट है, ये भी बीमारी देखने को मिल सकती, एक तो हेप देखने को मिल सकता है, उसके अलावा हेज भी देखने को मिलता है। हेज में क्या है, हेज में है हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एंडिमा। अब सेरेब्रल एंडिमा में क्या होता है, इसमें पहले हमने बात करती फेफड़ों में द्रव्य का संचय होना, यानी कि द्रव्य का वो है एक्यूमुलेशन हो जाना, अब यहाँ पे मस्तिष्क माइंड में जो द्रव होता है उसका संकुचन हो जाना, उसका संचय हो जाना, इससे क्या होगा, भ्रम हो जाएगा, आप है वो भ्रम में जियोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रेन में है वो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिससे कन्फ्यूजन हो जाएगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा, एंड कोमा भी हो सकता है, तो भ्रम है, मध्य भ्रम है और कोमा होने की संभावना भी हो सकती है।
तो ये है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में। अब ये जो चैलेंज है वो देखने को मिलते हैं ज़्यादातर भारत में। क्यों देखने को मिलते हैं भारत में? आप है ना घूमने जाते हो तो हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो हिमालयन रेंज में जाओगे। हिमालय में कहाँ जा सकते हो? जम्मू एंड कश्मीर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो बुनियादी ढांचे की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बुनियादी ढांचा होता है उसकी कमी है। जैसे कि बारे में बात करें तो चिकित्सा सुविधा होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। कुछ जगह जैसे शिमला है, लेह, ऐसी जगह को छोड़कर बाकी जो जगह है ना जहाँ पर आप घूमने जाते हो, आपको दवाई है, बेसिक हेल्थ केयर सुविधा है, वो भी देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार की आपको कोई बीमारी हो जाती है तो इसकी कोई संभावना, पूरी संभावना है कि आपको और ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का भी वहाँ पर अभाव है। इसके साथ साथ में आपातकालीन जो भी प्रक्रिया होती है जैसे कि एयर एम्बुलेंस है, ठीक है, एयर एम्बुलेंस है, वो देखने को नहीं मिलता है। पोर्टेबल चिकित्सा उपकरण, पोर्टेबल चिकित्सा में क्या होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, वैसे उपकरण भी देखने को नहीं मिलते हैं। निवारक उपायों की कमाई, इसमें क्या होता है कमी? निवारक उपायों की कमी के बारे में बात करें तो जो भी टूरिस्ट होते हैं वो घूमने जाते हैं तो पहले क्या होता है उनको चेक करना चाहिए, उनको प्रोटोकॉल समझाना चाहिए कि इस प्रकार की जगह है, आपको इतनी ऊंचाई तक जाना है, ऐसे जाना है, तो ये जो है ना उनको पहले ट्रैक नहीं किया जाता है, उनकी जो हेल्थ है उनको पहले से जांच नहीं की जा सकती। कोई अगर बीमार भी है ना वो जा रहा है तो उनको पहले से ट्रैक करके रोका नहीं जाता है, यानी प्रिवेंट नहीं किया जाता है। अगर वो बिना ऑलरेडी बीमार है वो ऊंचाई पे चले जाएगा तो उसकी जान को खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, खतरा होने की और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो ये है वो निवारक उपाय की कमी के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जो तेज चढ़ाई है, अनुकूलन जो तकनीक है उसके जोखिम के बारे में जागरूकता का कमी है, ये सारी चीज़ें हैं वो भी निवारक उपायों के तहत आती है, प्रिवेंटिव जो भी है उसके तहत आती है। फिर निगरानी और पंजीकरण की भी कमी देखने को मिलती है। कितने लोग ट्रैक करने गए हैं, घूमने गए हैं, एज ए टूरिस्ट गए हैं, तो उनको एक रजिस्टर में जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें वो देखने को मिलती है। अब इसे रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जैसे कि जो भी लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं ना ऊपर चढ़ रहे पर्वतों पर, उन पर एक रूल होता है 500 मीटर चलो फिर रुक जाओ, फिर 3000 मीटर चढ़ो फिर 2-3 दिन वहाँ पर रुक जाओ, ऐसे ऐसे करके आप ऊंचाई पर चढ़ो, पहले 500 मीटर चढ़े फिर थोड़ी देर रुके, 3000 मीटर चढ़े 2-3 दिन रुके। इससे क्या होगा, आपका शरीर है वो उस वातावरण के अनुकूलित हो जाएगा, तो आपकी संभावना बहुत कम हो जाएगी आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या देखने को मिले। इसके साथ साथ में बेसिक जो मेडिसिन है वो भी साथ में होनी चाहिए, जैसे कि ये मेडिसिन का नाम है एसिटाजोमाइल है जो ऑक्सीजन के लिए है, फिर सूजन के लिए भी है, फिर उच्च जोखिम को कम करने के लिए भी कुछ मेडिसिन है, वो भी साथ में होनी जरूरी है। फिर जागरूकता और शिक्षा की जरूरत है। जागरूकता और शिक्षा की कहाँ जरूरत पड़ेगी? जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से जो टूरिस्ट होते हैं उनको जोखिमों के बारे में बताना है, उनको सूचित करना कि किस प्रकार से ट्रैकिंग की जा सकती है, ये सारी चीज़ें उनको समझाई जा सकती है, उससे समस्या वो कम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में क्या किया जा सकता है, कुछ नीतिगत प्रस्ताव के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं उनमें बुनियादी ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। जैसे हमने देखा था कि बेसिक सुविधा भी नहीं मिलती है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर बेसिक सुविधा है वो अवेलेबल करवाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में पंजीकरण करना जरूरी है, कितने लोग घूमने गए हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता है। अगर किसी को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनको पहले से चेक करके उनको रोक लिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा होनी चाहिए, अनुसंधान और डेटा भी होना चाहिए, कितने लोग घूमने गए फिर उनको ट्रैक भी किया जाए, ये सारी सुविधा की जा सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल था, हमने देखा कि हाई एल्टीट्यूड से संबंधित था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडियन बिसोन के बारे में, बाइसन के बारे में, जो कि कहाँ मिला है, दिब्रीगढ़ ओडिशा में। तो बात करें दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो कहाँ पर, ये ओडिशा की बरहगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट का बरगढ़, ये बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जिला है कहाँ का, ओडिशा का, वहाँ पर ये। कुल बात करें इसका क्षेत्रफल की 346 किलोमीटर में फैला हुआ है। हीराकुंड डैम है, डैम है ना वो इसके चारों ओर स्थित है, हीराकुंड डैम की डैम के पास में इसके चारों ओर हीराकुंड डैम है वो स्थित है। बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ देखने को मिलती है, तेंदुए हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है, सांबर है, ये सारी चीज़ें देखो, ये हिरण है, जंगली कुत्ते हैं, साई नील का है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए कुछ सरीसृप की प्रजातियाँ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये एक प्रकार की रामसर साइट भी है और इंटरनेशनल जो बर्ड आते हैं उनके लिए ये एक एरिया भी है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल बर्ड भी आते हैं।
ठीक है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो ये रही हीराकुंड डैम, ये डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी, उड़ीसा में बात कर रहे हैं ठीक है। और उड़ीसा में क्या भितरकनिका है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये चिल्का लेक है, तो ये इनके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि उड़ीसा में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ठीक है। ये उड़ीसा इसके बारे में। इंडियन बाइसन के बारे में बात करें तो ये भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशी जितनी भी होती हैं उनकी सबसे लंबी प्रजाति है और सबसे बड़ी प्रजाति है। भारत में जो भी जंगली मवेशियाँ पाई जाती है उसमें सबसे लंबी और सबसे बड़ी है वो इंडियन बाइसन यानी भारतीय गौर है ठीक है। कितनी जनसंख्या है, 13,000 से 30,000 इनकी जनसंख्या है। ज़्यादातर है वो भारत में देखने को मिलती है। अभी गणना हुई थी जिसमें 2,000 है वो भारत में निवास कर रही है। और इसकी कहाँ की प्रजाति है, तो ये दक्षिण एशिया की मूल निवासी है। ये एंडेमिक कहाँ की है, एंडेमिक है वो या तो साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की एंडेमिक स्पीसीज है। तो ये यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछे कि बाइसन है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की एंडेमिक स्पीसीज है, तो हाँ ये सही है, ये मूल निवासी यहाँ की है। भारत में पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क है, फिर नागरहोल नेशनल पार्क है, मसीनागुड़ी नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इंडियन गौर के बारे में था। बात करें IUCN की, तो IUCN की वनरेबल कैटेगरी में आता है, साइज की अपेंडिक्स वन में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में आता है ठीक है। थाईलैंड और बर्मा भी देखने को मिलता है। हैबिटेट के बारे में बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है और ड्राइड फॉरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं। हिमालय में कभी देखने को नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखने को मिलेगा कि हिमालय में कभी देखने को मिलेगा, ज़्यादातर है वो हिमालय के जो फुट हिल होते हैं वहीं पे मिलते हैं, हिमालय की ऊंचाई में ये कभी देखने को नहीं मिलेगा ठीक है जी। ये आर्टिकल पूरा इससे संबंधित था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो DRDO ने सक्सेसफुली लॉन्च की है, टेस्टिंग की है किसकी, फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, तो सोनिक के बारे में जान लेते हैं। एक होता है मैक नंबर, मैक नंबर क्या होता है, कोई भी जो भी है ना मिसाइल होती है उसकी स्पीड होती है। अगर कोई भी मिसाइल है या प्लेन है, फ्लाइट है, जो भी है, वो अगर साउंड की स्पीड से फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, उस आधार पर उसे मैक नंबर दिया जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड क्या है, उस आधार पर मैक नंबर निकलते हैं। अगर मैक नंबर है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है तो उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, कम है तो उसे सबसोनिक कहा जाएगा। एग्जाम्पल की समझो, कोई वस्तु है उसकी जो स्पीड है वो है, ये साउंड की स्पीड है S, और ये है ऑब्जेक्ट की स्पीड ठीक है O। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा, सबसोनिक कहा जाएगा। सबसोनिक मतलब साउंड से ये धीरे गति से चलता है तो उसे कहा जाएगा सबसोनिक। ये रहा सबसोनिक, जो साउंड से धीरे चलता है। ट्रांससोनिक क्या होता है, जो साउंड और दोनों इक्वल चलते हैं, साउंड और ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर इक्वल है तो उसे ट्रांस कहा जाएगा। सब मतलब साउंड से धीरे, ट्रांस मतलब साउंड के इक्वल, सुपरसोनिक मतलब साउंड से फास्ट, साउंड से अगर फास्ट चल रहा है तो उसे सुपर सोनिक कहा जाएगा। और हाइपरसोनिक मतलब यह होता है साउंड से 5 गुना फास्ट स्पीड से कोई अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो उसे कहा जाता है हाइपरसोनिक। तो सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, चार में अंतर आपको पता चल गया। किस आधार पर निकलता है, ये मैक नंबर के आधार पर निकलता है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। अब DRDO ने अभी हाइपरसोनिक जो भी है मिसाइल है उसको टेस्ट किया, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। ये DRDO का एक प्रोग्राम है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल। ये कौन सा प्रोग्राम है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, ये प्रोग्राम है जिसे 2020 में DRDO ने कंडक्ट किया था। यहाँ पर क्या DRDO ने टेस्ट किया था, यहाँ पर स्क्रैमजेट है उसका टेस्ट किया था इस प्रोग्राम के तहत। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल है, इसके तहत 2020 में DRDO ने स्क्रैमजेट का टेस्ट किया था और इसी के तहत लॉन्ग रेंज की जो भी हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका टेस्ट किया गया। किसी के तहत, इसी के तहत HSTDV है ना जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल प्रोग्राम, इसी के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्या बात हो रही है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल एक कार्यक्रम है, इसके तहत स्क्रैमजेट का भी इन्होंने परीक्षण किया था और उसी के तहत जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका भी इन्होंने परीक्षण किया। स्क्रैमजेट क्या होता है, स्क्रैमजेट एक इंजन की तकनीकी है ठीक है। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, ये हवा से सुपरसोनिक की गति से प्रवेश करता है, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे तेज चलता है और धीरे धीरे 5 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है।
यानी कि स्टार्टिंग में ये सुपरसोनिक होता है और बाहर निकलते टाइम जब वो आगे बढ़ेगा तो हाइपरसोनिक हो जाएगा। स्क्रैमजेट में स्टार्टिंग में सुपरसोनिक होता है और बाद में हाइपरसोनिक बन जाता है। ये बात हो रही है स्क्रैमजेट इंजन के बारे में, पहले सुपरसोनिक बाद में हाइपरसोनिक है। और स्क्रैमजेट का कहाँ पर हुआ था परीक्षण, तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल था, हमारा भारत का प्रोग्राम था DRDO का, उसके तहत इसका परीक्षण हुआ था। इसे किसने डेवलप किया, DRDO ने किया, ये अंतर आपको पता चल गया। इस मिसाइल के बारे में बात करें, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, तो इसका 1500 किलो इसका वेट है, मतलब 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये है तो इसकी स्पीड के बारे में बात करें, तो 6 Mach इसकी स्पीड है, यानी कि हाइपरसोनिक है, साउंड से 6 गुना फास्ट स्पीड में चलेगा। और बात बारे में बात करें, ये देख लो 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है, 6 गुना ये ध्वनि से फास्ट चलेगा, साउंड से 6 गुना फास्ट चलेगा। ये गति के बारे में बात करें, तो बैलिस्टिक मिसाइल की जो गति होती उससे भी फास्ट चलेगा। और ये जो भी आसपास में जिसको ट्रैक करने के लिए आते हैं ना, जो सैटेलाइट के द्वारा इसको ट्रैक किया जाता है, तो उसको भी ये बाईपास करेगा। इसमें सटीक टारगेट होता है, जहां पर भी इसे टारगेट करना होता है ये वहीं जाके गिरता है, तो इसका टारगेट होता है बहुत ही सटीक होता है। ठीक है, बहु डोमेन प्रणाली होती है उसका उपयोग करता है ताकि इसको कोई ट्रैक न कर पाए। इसमें बहु पेलोड की भी क्षमता होती है, पेलोड भी होते हैं वो मल्टी लगे होते हैं, इसका मतलब है इसमें परमाणु और पारंपरिक जो भी हथियार होते हैं दोनों प्रकार के हथियार ये ले जा सकता है। कहां पर यूज होगा इसका, इंडिया आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों जगह इसका उपयोग होगा। एयरफोर्स में जो इसका उपयोग होगा ना, जो दुश्मनों के जो वारशिप होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये हाइपरसोनिक के बारे में था। हाइपरसोनिक का हमने देखा ही था, हाइपरसोनिक का मतलब होता है साउंड से 5 गुना अगर कोई फास्ट चल रहा है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइलों की, कि ये जो है ना सेम स्पीड से चलती है, मतलब हाइपरसोनिक से रवाना हुई तो हाइपरसोनिक गति से ही चलेगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल से अलग होती है, क्योंकि ये जो है ना एक टारगेट को ही फॉलो करेगी, ऐसे जा रही है तो इसी टारगेट को ही फॉलो करेगी, ऐसे भटकेगी नहीं, तो एक टारगेट को फॉलो करते ही चलती होती। और बैलिस्टिक मिसाइल होती है यहाँ पे यूँ जा रही है बैलिस्टिक मिसाइल सीधे सीधे, और ये कैसे ऐसे जाएगा हाइपरसोनिक इस प्रकार से जाएगा ताकि इसको कोई ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, इस प्रकार से ये जाता है। हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल होती है ना वो अपने उड़ान के दौरान गति को जो स्पीड होती है उसको सेम बनाए रखती है, इसके लिए वो स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है। क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन होता है शुरू में हाइपरसोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है, बाद में हाइपरसोनिक बन जाता है, फिर अपनी जो स्पीड होती है वो सेम बना के रखता है, तो इसके लिए स्क्रैमजेट इंजन का भी ये उपयोग करता है। अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है दो प्रकार की होती है, एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल होता है, दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है। ग्लाइडेड व्हीकल क्या होता है, ये जो रॉकेट होता है ये लॉन्च होने से लॉन्च जब किया जाता है ना तो वो लक्ष्य पे ग्लाइड कर जाता है, लक्ष्य पे ग्लाइड करने से पहले कोई भी यहाँ पे टारगेट है ठीक है उसको नुकसान करने से पहले यहाँ नीचे आएगा, फिर ये ग्लाइड कर जाएगा, फिर रॉकेट को लॉन्च करेगा। और बात करें सुपर क्रूज मिसाइलों की, तो क्रूज मिसाइल क्या करेगी, ये एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड का उपयोग करेगी, स्क्रैमजेट द्वारा संचालित होगी, बाद में अपने टारगेट को प्राप्त करेगी, इस प्रकार से ये काम करेगी। ये देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से जा रही है और अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगी, और ये इस प्रकार से भी जाएगी, तो इसको टारगेट जो है ना रेडार के द्वारा इसे डिक्टेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार के कौन कौन से देशों के पास में, तो अलग अलग देशों के पास में ये चाइना के पास में, रशिया के पास में सबसे ज़्यादा चाइना है, यूनाइटेड नेशन है, बाकी जर्मनी इटली ये सारे देश है वो इस पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। नेक्स्ट है जो G20 के बारे में हमने देखा, इंडिया चाइना है वो बात कर रहे हैं, तो ये खास आर्टिकल था नहीं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स में हम देख चुके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।